नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की जिसमें सीनियर सिटीजन स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में हुए हैं क्या जरूरी बदलाव और ये कितना फायदेमंद है आपके लिए। बजट 2023 का इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्कीम इम्पैक्ट क्या है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS के तहत डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है। CSS डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि POMIS की लिमिट को 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन से धारा 80C यानी 80C डिडक्शन लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन बजट स्पीच 2023 से पहले कई एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि सरकार को धारा 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट फिलहाल 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए करनी चाहिए। अगर सरकार इस सुझाव को मान लेती थी तो कई छोटी सेविंग स्कीम के जमाकर्ताओं को फायदा होता। ये लेख इस बात पर गौर करेगा। इस रिटर्न फॉर्मेट से होता ये कि बजट 2023 इन बचत और इन्वेस्टमेंट स्कीम को कैसे इम्पैक्ट करता, बजट 2023 में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS पर बजट का इम्पैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर सिंगल खाते के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट्स के लिए 15 लाख रुपए करने का ऑफर दिया है। अब बात करें बजट इम्पैक्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना की, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। बात करें बजट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बजट इम्पैक्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हम आपको बता चुके हैं। बजट इम्पैक्ट ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। बात करें बजट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बजट इम्पैक्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप कि ये आपके किसी काम आ सके। और आज की रिपोर्ट में इतना ही, विदा लेते हैं आपसे और फिर मुलाकात होगी एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए GST सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।